मार्केट अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है और ग्राफ जो बन रहा है वो बड़ा बड़ा बन रहा है और रिजेक्शन जो है वो इस समय देखने को कम मिल रहा है। अभी हालांकि इससे पहले ही एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ फ्रैक्टर्स ऊपर की तरफ बना हुआ था, उसके बाद रेड कलर बना और उसके बाद जो ग्रीन कलर बना, तो ग्रीन कलर बनने से पहले वो रेड कलर बना हुआ था, रेड कलर बनने के बाद रिजेक्शन हुआ और उसके बाद जो है ये ऊपर एक क्लोज हुआ। इसका मतलब यहाँ जो टेंडेंसी देखने को मिल रहा है ये नीचे ग्राफ जाना तो चाह रहा है, लेकिन ग्राफ जाने के बाद फिर बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और ग्रीन में जो क्लोज हो गया है, इसका मतलब अभी भी शुरुआती दौर में जो सेलर हैं वो हावी रहते हैं, लेकिन जब कैंडल क्लोज होने का समय आता है, जब क्लोजिंग का समय आता है, उस समय जो है वो बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। अभी भी देखिए जो रेड कैंडल बना वो बहुत नीचे रेड कैंडल लग गया, उसका रिजेक्शन होते होते जो है आखिरकार रेड कैंडल में ही क्लोज हुआ वो। अब जो है यहाँ ग्राफ सीधा सीधा देखने से लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने जो है अभी दो ट्रेड 80,000 का ऊपर की तरफ ले लिया है। कारण ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है शुरुआत में सेलर रहा उसके बाद, लेकिन जब कैंडल क्लोज होने का बारी आ रहा था तो बायर्स एक्टिव हो जा रहे थे। इसी के आधार पर देखते हुए मुझे लग रहा था कि यहाँ से ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ही, और इधर जो CCI है और RSI दोनों का इंडिकेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। हाँ, अभी तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड लिया है, लेकिन अब यहाँ से जो मुझे जो लग रहा है, चूँकि बगल में देखिए जो फ्रैक्टल्स है जो बना हुआ, वो फ्रैक्टल्स एकदम हाई पे बना हुआ है जो कि सबसे नज़दीकी हाई रहता है। इसका मतलब आगे जो ट्रेंड मैं लेने वाला हूँ वो मैं पहले ही गैस कर लिया हूँ कि मैं अगला जो ट्रेंड लूँगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लूँगा, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पैरेलल डायरेक्शन में ग्राफ चलने वाला है। तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन का मैं वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद मैंने जो ट्रेड लिया है वो पाँच ट्रेड जो है मैं यहाँ अभी लूँगा नीचे की तरफ में, चूँकि देखिए कैंडल अब नीचे की तरफ आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 480,000 पर ट्रेड के हिसाब से मैंने लिया है, चूँकि यहाँ कन्फर्मेशन मुझे मैक्सिमम लग रहा है कि यहाँ पे अब जो ग्राफ बनेगा वो साइडवेज चलेगा और अप एंड डाउन चलते रहेगा। इसके बाद वाला भी जो कैंडल है वो देखिएगा, मैंने पहले ही डिसाइड करके रखा है कि अगला कैंडल जो भी बनेगा, अगर ये सबसे नीचे तक ग्रीन तक टच कर रहा है तो अगला कैंडल जो बनेगा मैं उसको ग्रीन के तौर पर मान के और अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड लूँगा। तो वेट कर लेते हैं, 12 सेकंड बचा हुआ ये कहाँ तक जा रहा है। हालांकि 9, 8, 7 अब ये नीचे ही जाएगा, ऊपर क्लोज नहीं होगा, क्योंकि जो CCI है वो कर्व शेप में बना हुआ है और RSI कर्व शेप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अभी देखिएगा इस ग्राफ का मैक्सिमम टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन जाने का, हालांकि पिछला ग्राफ रेड बना था, देखिए अप की तरफ जाने लगा। 5 ट्रेड में फिर ले लेता हूँ 80,000 का, 4 लाख रुपये का ये ट्रेड है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये ट्रेड को भी जीतना ही है शायद, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, डर तो लग रहा है, लेकिन उम्मीद डर लग रहा था अब लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ CCI है और जो RSI है ये यहाँ से जो है भी से बना के ऊपर डायरेक्शन में चलने लगा और ये लंबा साइड जाएगा और 31 सेकंड बचा हुआ है। अब थोड़ा सा कन्फर्मेशन हो रहा है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन अब नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन होने के बाद डर भी लग रहा है। उम्मीद करता हूँ ये ग्राफ अब बनेगा, अब जो है अब यकीन हो रहा है, चूँकि ये रेट कैंडल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो अब ये नीचे नहीं जाएगा। जब मैं बोल रहा हूँ नीचे नहीं जाएगा तब थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है, अब ये नीचे नहीं जाएगा, अब तो कन्फर्म है कि ये 6 सेकंड तक तो ये नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ट्रेड में मैं जीत जाऊँगा। अगला ट्रेड उप जाएगा कि डाउन जाएगा ये थोड़ा सा देख लेता हूँ, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला लगा तो लूँगा, नहीं लगा तो छोड़ दूँगा। तो थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ, हालाँकि जो CCI है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने का दे रहा है, RSI वही नॉर्मल है, लेकिन CCI अपवर्ड डायरेक्शन दे के फिर रुक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ ट्रेड लेना भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हमको लग रहा है बायर सेलर दोनों इक्वली एक्टिव है, ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे फेंक दे रहा है, तो यहाँ लेना खतरनाक है, यहाँ मैं लूँगा नहीं।